अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या किस पर है भैया? वो प्रॉपर्टी मैंने बकायदा लीज डीड द्वारा, सिविल लाइन की प्रॉपर्टी है अभिकरण बिल्डिंग के एकदम सामने की, वो प्रॉपर्टी मैंने लीज पर ली थी 2017 में, जिसके ऊपर मुझे बकायदा कब्जा मिला, कोर्ट के थ्रू का पोजीशन मिला हुआ है, मैं कोर्ट में हम मुकदमा जीत चुके, उसके बाद भी ईसाई पादरी उस ज़मीन को हड़प करना चाहते हैं और जिसके अंदर वो कोर्ट के आदेश नहीं मानते, कमिश्नर के आदेश नहीं मानते, नगर आय इसके अंदर हमारे कमिश्नर साहब द्वारा जांच कराई गई, उसके अंदर कमिश्नर साहब ने आदेशित किया कि हमारे को वहां पर दीवार बनाने की पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे को वो भी नहीं मिली। और उसके बाद हमारी एडीजी साहब द्वारा भी जांच हुई, उसके अंदर भी हमारे फेवर में रिपोर्ट आई, क्योंकि हमारे फेवर में न्यायालय के आदेश है। जो आपकी जमीन कब्जाना चाहते हैं जी, कुछ मेथोडिस्ट एमसीआई के कुछ पादरी हैं और बिशप हैं जो कोर्ट के आदेश नहीं मान रहे, कमिश्नर साहब के आदेश नहीं मान रहे, पुलिस के आदेश नहीं मान रहे। कितनी प्रॉपर्टी है? 3000 गज प्रॉपर्टी है, टोटल 9000 गज इनकी प्रॉपर्टी थी जो मुसलमान सिर्फ नजायज कब्जा करके धर्म की आड़ में, वो क्या कहते हैं, चोगा पहन कर आ जाते हैं, क्रॉस लटका कर, और पूरा उत्पात मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, गोली चलाते हैं, लूटपाट करते हैं, जिसकी बकायदा समय समय पर हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ से। कुछ दिन पहले रात में फादर पादरी चमन कंफर्ट द्वारा कुछ लोगों को लेकर हमला कर दिया गया, दीवार गिरा दी गई, हमारी कमरे तोड़ दिए गए, सामान में आग लगा दी गई, और उनका ये कहना है कि क्या कहते हैं, हमने उन पर हमला करा, जबकि वो पूरी रिकॉर्डिंग है कि वो लोग आए, वो रात के 10 बजे मेरी प्रॉपर्टी पर आए, जबकि उसके अंदर पजेशन भी मेरा, वो रात में मेरी प्रॉपर्टी पे क्या करने आए? अब आप किससे मिले, क्या है, क्या चाहते हैं? मैं एसएसपी साहब से मिला, हमारे खिलाफ रात के अंदर ही एनसीआर काट दी गई, एफआईआर कर दी गई, और उनके विरुद्ध चलान तक नहीं हुआ, उन हमारी जो एफआईआर, हम एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास तथ्य भी हैं, एविडेंस है, वीडियो और फोटोग्राफ सब कुछ मौजूद है, और उसके बावजूद भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अगर आप कार्रवाई से इंसाफ नहीं मिला आपको तो आप क्या? भाई साहब, अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिलता और पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो मेरे पास अपना धर्म को त्याग कर और भूख हड़ताल पे बैठने के अलावा कोई मेरे पास विकल्प नहीं बचता, और अगर तब भी नहीं मिलता मैं अपना धर्म परिवर्तन भी कर लूंगा, और अगर मेरे को तब भी इंसाफ नहीं मिला और माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं हुआ तो मेरे को फिर किसी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। कोर्ट के आदेश है वो जमीन आपको दिलाया? कोर्ट के आदेश नहीं, कोर्ट ने दिलाई है मुझे वो जमीन, वो तो कोर्ट अमीन ने पोजीशन दिलाया है, और अगर मेरे को तब भी पोजीशन नहीं मिलता तो फिर तो मैं आत्मदाह करूंगा, क्योंकि जब मेरे को न्यायालय के आदेशों के बाद भी मेरे को पोजीशन पे से हटाया जा रहा है, मेरी वहां पे तोड़ फोड़ हो रही है और मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो मेरे को क्या, मैं किसके ऊपर विश्वास करूंगा? कितने लोग होंगे? तकरीबन कम से कम हमारे पास कम से कम और 30 से 40 परिवार है जिनके साथ पहले भी ये लोग लूट कर चुके हैं, मेरे पास इससे पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग।